everyone, welcome to my another YouTube video and welcome to more welcome my YouTube channel The Beauty Box. So I hope are you well. So today's video is about how to look beautiful without any makeup. So ये video school and college going girls के लिए बहुत ज़्यादा special होने वाली है and जिन girls को makeup करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा special होने वाली है. So जल्दी से video को start करते हैं. So yeah, let's start the video. Okay, so girls video start करने से पहले एक important बात ये कि यार just makeup ही हमें प्यारा नहीं बनाता है. एंड आज के वीडियो में जो टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, अगर आप वो डेली अपनी लाइफ में फॉलो करते हो सो आप मेकअप के बगैर ही बहुत ज्यादा प्रीटी नजर आओगे. सो या अब बात करते हैं जी उन टिप्स के बारे में. सो अपने फर्स्ट टिप में हम सबसे पहले बात करेंगे हेयर केयर के बारे में. सो या ओके, सो यार हमें अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए एंड इनकी एक्सट्रीम वाली केयर करनी चाहिए. एंड यार मेकअप के साथ तो सारी गर्ल्स बहुत प्यारी लगती हैं, बट अगर आपको नेचुरल ब्यूटीफुल लगना है तो आपको अपनी हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा. अपने बालों का, अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का, हर एक चीज़ की बहुत केयर करनी पड़ेगी. सो बालों की केयर के बारे में हम बात करें सो यार ऑयलिंग तो मस्ट है. आपको वीक में 3 से 4 टाइम ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए एंड ऑल्टरनेट डेज पर आपको शैम्पू करना चाहिए. डेली शैम्पू नहीं करो, एक दिन छोड़ के आप शैम्पू करो एंड बहुत ज़्यादा इनकी केयर करो. एंड या बात करते हैं अपने सेकंड टिप के बारे में. और सेकंड टिप है जी वेयर ड्रेस कॉन्फिडेंटली. यस ओके, सो ड्रेसिंग करते वक्त ना हमें एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको पसंद है ना आप वही वेयर करो. जो कलर आपको अपने ऊपर पसंद है, जिस तरह का ड्रेस आपको अपने ऊपर पसंद है, ऐसा नहीं कि यार मैं ये ड्रेस पहन लूँगी तो लोग क्या कहेंगे या फिर मैं ये कलर पहन लूँगी तो लोग क्या कहेंगे. मतलब आपको अपने ऊपर जो कलर पसंद है, जिस तरह का आपको ड्रेस पसंद है, आप वो वेयर करो. इस तरह के उसमें नहीं पड़ो कि यार ये पहन लूँगी तो लोग क्या कहेंगे, वो पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे. अपनी चॉइस को पहले प्रायोरिटी दो एंड देन अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो. अच्छे कॉम्बिनेशन करो एंड ज़्यादा ब्राइट कलर पहनो. एंड टीनेजर्स पे ना वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं एंड न्यूट कलर भी टीनेजर्स पे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट बात ये, वो ड्रेसिंग करो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो एंड कम्फर्टेबल हो. ऐसी ड्रेसिंग नहीं करो जिसमें आप बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो. सो या ओके, सो थर्ड टिप है जी हमारी टेक केयर ऑफ योर स्किन. सो यार स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली यार जब हम मेकअप नहीं करेंगे सो हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि वो ब्यूटीफुल दिखे. एंड क्लियर स्किन के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ से स्पाइसी, शुगरी एंड ऑयली फूड्स को थोड़ा सा कट कर दें क्योंकि यार इसके इनटेक से हमारे फेस पर पिम्पल्स वगैरह आ जाते हैं. एंड मैं ऐसे नहीं कह रही कि यार आप बिल्कुल ही इन चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ से कट कर दो. नो, आप खाओ लेकिन कम क्वांटिटी में खाओ. एंड सेकंड चीज़ ये कि यार अपना एक बेसिक सा स्किन केयर बनाओ जिसको आप फॉलो करो, उसके साथ कंसिस्टेंट रहो. एंड थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सनब्लॉक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखो. आप घर पर हो, बाहर हो, जहाँ भी हो, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि सनब्लॉक को ना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में रखो. ओके, सो फोर्थ टिप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल ब्यूटीफुल नज़र आने के लिए और वो है जी ईट अ बैलेंस्ड डाइट. एंड यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीरियसली यार हमें अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. अगर हमें अपनी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर एंड हेल्दी करनी है ना सो उसके लिए ज़रूरी है क्लीन ईटिंग. हमें क्लीन ईटिंग करनी चाहिए जैसे कि फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक रखो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाओ. एग्स हो गए एंड फिश हो गई, इन सब चीज़ों के इनटेक से ना हमारी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन रहती है, बहुत ज़्यादा क्लियर एंड हेल्दी रहती है. ऊपर से हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो भी आता है. सो ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट अच्छी रखें क्योंकि यार सच में डाइट से ना हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. सो या अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टिप के बारे में और वो है जी स्टे हाइड्रेटेड. उफ यार पानी पीने से, सिर्फ पानी पीने से ही हमारी स्किन इतनी ज़्यादा क्लियर हो जाती है, इतनी ज़्यादा ग्लोइंग स्किन हो जाती है हमारी. एंड हमें चाहिए कि हम 7 to 8 ग्लासेस पानी ज़रूर इनटेक करें. एंड यार आई नो ऐसा ना कभी कभार होता है कि ज़्यादा पानी जब हम पीते हैं ना तो फिर हमारा दिल नहीं चाहता है और पानी पीने को. सो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पानी ही पीते रहो, मतलब सादा सादा पानी पियो आप बिल्कुल. आपको चाहिए कि आप उसके फॉर्म्स में स्मूदी पी लो या फिर आप डिटॉक्स वाटर या
सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बेस्ट एंड बेस्ट है हमारी स्किन के लिए। आप उसमें लेमन डालो, आप उसमें कुकम्बर डालो एंड आप उसमें कोरिएंडर डालो एंड उसका वाटर पी लो, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है डिटॉक्स वाटर ना। सीरियसली हमारी वेट के लिए एंड हमारी स्किन के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो या ज़्यादा से ज़्यादा डिटॉक्स वाटर का इंटेक रखो ताकि आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी एंड फ्रेश रहे। ओके, सो नेक्स्ट 6 टिप के बारे में बात करते हैं और वो है एक्सरसाइज रेगुलरली। एंड सीरियसली यार, एक्सरसाइज करना ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारी स्किन पे। एंड पर्सनली मैंने ऐसा किया है, जब भी मैं आपको बता रही हूँ कि ना एक्सरसाइज से हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। एंड अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं होती तो आप योगा कर लो, योगा भी ना हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड ये दोनों चीज़ें ना हमारी स्किन के लिए भी एंड हमारे माइंड के लिए भी, दोनों के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड जितना हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा एंड फ्रेश रहेगा, उतनी ही हमारी स्किन भी अच्छी रहेगी। ओके, सो बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट टिप के बारे में और वो है जी स्माइल। एंड यार, स्माइल तो हमें करनी ही चाहिए, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो, हम टेंशन में हो, हम कुछ भी हो, लेकिन हमें मुस्कुराना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप जस्ट ऊपर ऊपर से मुस्कुरा रहे हो, अंदर से आपको उदास हो आप एंड आपको मुस्कुराने का दिल नहीं चाह रहा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कोई ना कोई खुशी ढूंढ लेनी चाहिए मुस्कुराने के लिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हो आपकी लाइफ भी अच्छी रहती है एंड स्किन भी अच्छी रहती है। यार ओवरऑल आप पूरे ही अच्छे रहते हो। ओके, सो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टिप के बारे में और वो है जी टेक केयर ऑफ योर लिप्स। ओके, सो गर्ल्स, हमें अपने लिप्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह हम अपने स्किन का, अपने हेयर्स का एंड अपने बॉडी का, फूड्स का, हैंड्स का ख्याल रखते हैं, उसी तरह ये भी ज़रूरी है कि हम अपने लिप्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एंड इनकी केयर के लिए आपको चाहिए कि आप लिप बाम को यूज़ करें एंड लिपस्टिक से ज़रा दूर रहें, क्योंकि लिपस्टिक ज़्यादा यूज़ करने से हमारे लिप्स जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। एंड देन कॉफ़ी एंड चाय कम पिएं एंड अपने लिप्स का ख्याल रखें एंड हफ्ते में 2 से 3 बार इनको स्क्रब कर लिया करें, शुगर ली एंड उसमें हनी मिक्स किया एंड देन उसको ना लिप्स को स्क्रब कर लिया, डेट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट टिप है अपनी आईब्रोज का ख्याल रखना। एंड यार, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो यार सारी टिप्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आपकी आईब्रो की शेप ख़राब हो जाती है ना, तो सच में आपकी जो फेस की लुक होती है ना, वो बहुत अजीब लगना शुरू हो जाती है। सो प्लीज़ इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करो, मंथली अपनी आईब्रोज को ज़रूर बनवाया करो एंड इनका ख्याल रखा करो। साथ साथ ना अपने फेशियल हेयर्स का भी ख्याल रखा करो, मंथली आपको ज़रूर अपने फेशियल हेयर्स रिमूव करने चाहिए ताकि आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर रहे एंड आपकी स्किन में ना बिल्कुल एक शाइन आ जाए। सो जरूरी है कि आप इन दो बातों का ख्याल जरूर रखो। ओके, सो यार अब है जी नेक्स्ट टिप और वो है जी हमारी स्लीप। एंड यार, नींद ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको ना कोई 7 to 8 hours जरूर सोना चाहिए। एंड कोशिश करो आप ना रात में जल्दी सो जाओ एंड देन मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ। रात में जल्दी सोने से क्या होता है कि जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं ना, वो नहीं आते एंड आपकी स्किन भी अच्छी रहती है। सो ज़रूरी है कि आप 7 to 8 hours स्लीप करो एंड आप जल्दी सो, जल्दी उठो, ये भी हमारी स्किन के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये ना छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, लेकिन ना ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा वर्क करती हैं। सो इनको फॉलो करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप और वो है जी बी कॉन्फिडेंट, मीन्स बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर नेचुरल ब्यूटी। मतलब यार, आप जिस तरह के दिखते हो, जिस तरह के आप हो, बिलीव में आप बहुत प्यारे हो। अल्लाह ताला ने सबको बहुत ज़्यादा प्यारा बनाया है एंड आप अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ कॉन्फिडेंट रहा करो। बट हाँ, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड इससे ना आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन हाँ यार, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस के बगैर ना आजकल लाइफ बिल्कुल बेकार है। सो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। एंड या सो लास्ट एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप वो ये कि मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। एंड यू नो, स्ट्रेस लेने से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इवन हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है एंड जो सच्ची बात है, हमारी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। सो प्लीज़ स्ट्रेस नहीं लिया करो, डिप्रेशन में नहीं रहा करो। आई नो यार, अच्छा बुरा वक्त सब पे आता है, बट
एक बात पे बिलीव रखो कि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी है एंड हर मुश्किल के बाद आसानी है। एंड अल्लाह पे बिलीव रखो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह से बातें किया करो एंड अस्तग़फ़िरुल्लाह किया करो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। एंड बस अल्लाह पे बिलीव रखो, बस अल्लाह पे आपने बिलीव रख लिया ना, बस आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, चाहे देर से ही हो लेकिन होंगी ज़रूर। ओके जी, सो फाइनली गर्ल्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, हाउ टू लुक ब्यूटीफुल विदाउट एनी मेकअप। एंड इन सारी टिप्स को फॉलो करके आप नेचुरली प्रीटी नज़र आओगे। सो या, ये थी मेरी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगी इस वीडियो को बनाने में, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बरसाना एंड सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।